हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्री बैच है LICAAO और ADO के लिए। आज हम क्लास 3 करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आपका स्वागत है चैनल पर। ओके, चलो ये रहा आज के सामने, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ओके, ये देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है और काफी ट्रिकी सवाल है। ये सवाल जो है आपको काफी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये सवाल क्या है। उससे पहले देखो, जो लोग चैनल पर नए आए हो उन्हें बता दें कि ये चैनल देखो, इस पे लेसन अपलोड हो चुका है ये फ्री बैच का। इसमें हम लोग फ्लोर एंड फ्लैट पजल किया था और आइदर और कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ओके, उसके बाद आपको सैलरी बढ़ने वाली है आपकी, उसके बारे में ये थोड़ा सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो ये देखो क्या बोला। अ वुमन मार्था वाज गोइंग विद अ बॉय टू द मार्केट टू बॉय सम ग्रोसरीज। बैकग्राउंड नॉइस को अगर आ रही है तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। बगल में पड़ोसी हैं, उनके यहाँ कुत्ता है पोसा हुआ, तो ऐसे ही गुजर रही है जिंदगी। अ वुमन मार्था वॉज गोइंग विद अ बॉय टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज। शी इज आस्क्ड बाय अ मैन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, मार्था नाम की एक औरत एक बॉय के साथ मार्केट जा रही थी ग्रोसरी खरीदने के लिए। तो एक मैन ने उससे पूछा कि आपका और इस बॉय का क्या रिश्ता है। मार्था रिप्लाइड, माय मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द बॉय। अब देखो मार्था क्या बोली। मार्था बोली कि माय मैटरनल अंकल, मार्था मैटरनल अंकल मॉम के भाई जो होगा, मॉम का जो ब्रदर होगा मेल, ठीक है। सर्किल जो है फीमेल रहेगा, बॉक्स जो है वो मेल रहेगा। तो मार्था जो है एक लेडी है, उसका मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल एंड पैटरनल। मैटरनल जो होता है वो होता है फादर के साइड से रिलेशन, मैटरनल जो होता है वो होता है मदर के साइड से रिलेशन, ठीक है। तो माय मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम। अब इसकी मैटरनल अंकल तो यही हो गया। और देखो बॉय के, बॉय के बारे में क्या बोली, एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल। बॉय के एक माँ होगी, उसका एक ब्रदर होगा, ब्रदर होगा। अब ये जो हुआ ये इसका अंकल हुआ, एंड इसका जो अंकल होगा मतलब इधर एक यहाँ पे इन दोनों का या एक कपल होगा ना, ये इसका ये सन आएगा। अब या तो इधर या फिर इधर, इनका भाई या फिर इनका भाई, ये जो दोनों होगा तो वो पर्सन या तो इसके माँ का भाई भी इसका अंकल लगेगा या इसके फादर का भाई भी इसका अंकल लगेगा। तो ये जो जो पर्सन है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात है। ओके, तो चलो अब देखते हैं कि क्या इसमें बोला है। अब हमको इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, मतलब ये जो पर्सन है ना इसको यहां मर्ज करना पड़ेगा। अगर हम देखो अब मर्ज कैसे करेंगे, अगर इस तरीके से हम कर दें कि ये यहां पे ये अंकल रहा और ये यहां पे ये जो लेडी है वही लेडी अगर मार्था हो जाती है, वही लेडी अगर मार्था हो जाती है तो मार्था का अंकल ये हुआ एक, ठीक है, मार्था का अंकल ये हुआ और इस बॉय के अंकल का भी अंकल ये हुआ, सेम हो गया। माय मैटरनल अंकल, मार्था के मैटरनल अंकल भी यही हुआ एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल सेम। इसके मैटरनल अंकल तो ये रहा और इसका अंकल ये रहा, ये दोनों सेम हुआ। सो यहां पे इन दोनों का रिलेशनशिप क्या आ गया, मदर एंड सन का, ठीक है। यहां पे आंसर हुआ मदर एंड सन। एक पॉसिबिलिटी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी और कंसीडर करें कि ये यहां पे इसका सन हुआ लेकिन मार्था ये हुई। अब इस वाले केस में मार्था का
मैटरनल अंकल तो ये रहा, इस बॉय का भी मैटरनल अंकल का अंकल ये रहा, लेकिन मार्था और इसके में आंट आंट एंड नेफ्यू का रिलेशनशिप आ गया, है ना। ओके ये एक रिलेशनशिप बन रहा है, तो इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, या तो मदर या सन रहेगा या फिर आंट एंड नेफ्यू रहेगा। सीएनडी तो नहीं है, कोई रिलेशनशिप तो इन दोनों के बीच में निकल ही रहा है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, एक बार और सुन लो क्या हुआ, देखो क्लियर करते हैं इस बोर्ड को। क्वेश्चन हमसे पूछा कि मार्था जो है जा रही थी ग्रोसरी शॉप, ठीक है, एक बॉय के साथ, ठीक है, एक बॉय के साथ जा रही थी मार्था। हाइलाइटर ले ले, ठीक देखो मार्था जो है, ये कलर ले लेते हैं, मार्था जो है वो जा रही थी बॉय के साथ मार्केट, ओके, बाय करने के लिए सब ग्रोसरीज। एक मैन है, उन दोनों का रिलेशनशिप पूछा। मार्था रिप्लाई की, मेरी मैटरनल अंकल, मेरा मैटरनल अंकल, मैटरनल क्या, मदर की तरफ से रिलेशन। ये मार्था रहा, मार्था की ये मदर रही, मदर के ये ब्रदर जो रहा मैटरनल अंकल रहा। एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज सेम, इस बॉय का मैटरनल अंकल का जो अंकल ये रहा सेम है। एक अगर मार्था को भी यहाँ आप करते हैं, तो मार्था और इस बॉय में मदर फादर का, मदर और सन का रिलेशनशिप होता, लेकिन ये अंकल वो भी मैटरनल ही अंकल होता, और यहाँ पे अगर मार्था को आंट बना रहे हैं तब भी यही रिलेशनशिप होता है। इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे जो है ये काफी इजी का सवाल है, यहाँ पे आपको सीधे रिलेशनशिप है। ओके, आफ्ताब एंड शिखर एंड रिजवान थ्री ब्रदर, ये आफ्ताब है, शिखर है और रिजवान है, ये तीन ब्रदर है, ठीक है। आफ्ताब सन कासिम इज मैरिड टू कहकशां, आफ्ताब के सन कासिम है जो कि मैरिड है कहकशां से, ठीक है, कहकशां से। एंड दे हैव वन चाइल्ड यावर ब्लेस्ड टू देम, इनका एक चाइल्ड है यावर, ठीक है। मुकुल द सन ऑफ शिखर इज मैरिड टू हर्षिता, शिखर का सन है मुकुल इज मैरिड टू हर्षिता, ठीक है। एंड दिस कपल इज ब्लेस्ड विद अ डॉटर माधवी, ठीक है, माधवी इनकी डॉटर है, ठीक है। रिजवान हैज वन सन नादिम, रिजवान का एक सन है, रिजवान का एक सन है जो कि नादिम नाम है। हु इज मैरिड टू पाकीजा, पाकीजा से मैरिड है। दिस कपल हैज वन डॉटर कशिश बॉर्न टू देम, कशिश इनकी डॉटर हो गई, ठीक है। देयर इज इक्वल फीमेल एंड मेल इन द फैमिली, तो मेल कितना है, एक दो तीन और चार पांच छह, फीमेल कितनी हुई, तीन और दो पांच, मतलब ये जो है फीमेल है। हाउ इज यावर रिलेटेड टू आफ्ताब, यावर कैसे है, ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। हाउ इज कशिश रिलेटेड टू शिखर, कशिश शिखर से कैसे, देखो कशिश यहाँ है शिखर ये है, तो क्या है, नेफ्यू है या नीस है, नीस है, नेफ्यू मेल होता है, नीस फीमेल होती है, तो कशिश फीमेल है तो नीस हो जाएगी, ठीक है। अब आया स्टेटमेंट, सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ये सेशन अभी चलता रहेगा। स्टेटमेंट है, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन विल लीड टू द डिप्लीशन ऑफ मेनी इसेंशियल रिसोर्सेज, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करेगा, कम करता जाएगा। कंक्लूजन, पॉपुलेशन आवर ऑफ आवर नेशन कैन नॉट बी कंट्रोल, इसमें ट्रू बताना है कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। दूसरा, द नेशन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अ डिसेंट लिविंग टू इट्स सिटीजन, देखो स्टेटमेंट में ये बोला कि द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन विच लीड टू द डिप्लेशन ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज इन आवर, टू डिप्लेशन ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज, तो जो पॉपुलेशन है ना वो इसेंशियल रिसोर्सेज की कमी के लिए ये होगा कसूरवार होगा। तो इससे आपको
ये पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री कैन नॉट बी कंट्रोल, कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में तो कोई बात नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर वन जो है वो गलत होगा। कंक्लूजन नंबर टू सही होगा कि जब रिसोर्सेज डिप्लीट करेंगे, जब रिसोर्सेज डिप्लीट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डिप्लीट करेगा। जैसे आपको कोल ही नहीं रहेगा, तो कोल नहीं रहेगा तो ना इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में काफी मेजर पार्ट होता है, जब कोल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन जाएगी। तो स्टैंडर्ड नंबर टू यहाँ पे सही है। अब दूसरा है स्टेटमेंट, द वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर इविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। दुनिया जो है ना अच्छी है ना बुरी है, ईच मैन मैन्युफैक्चर अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, हर आदमी अपनी दुनिया खुद बनाता है, स्टेटमेंट ठीक है। कंक्लूजन, सम पीपल फाइंड द दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड। कुछ लोग जो है ये दुनिया को अच्छे पाते हैं और कुछ लोग जो है वो ये दुनिया को खराब पाते हैं। तो कंक्लूजन वन टू में कौन सा सही होगा, टू कौन सा होगा? देखो स्टेटमेंट बोला कि ये दुनिया जो है ना वो अच्छी या फिर बुरी नहीं है, ईच मैन मैनुफैक्चर अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, हर आदमी अपनी दुनिया खुद बनाता है। तो इसमें ये बात भी सही होगी, कुछ लोग अच्छी बना रहे हैं कुछ लोग बुरी बना रहे हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट, सम मैन आर ग्रेट सम मैन आर वाइज, ये सिलॉजिज्म है, सिलॉजिज्म है ठीक है। सम मैन आर ग्रेट, कुछ मैन जो है वो ग्रेट है, सम मैन आर वाइज, कुछ मैन जो है वो वाइज है। कंक्लूजन हमसे पूछा पहला कि सम ये मेन आर आइदर ग्रेट या वाइज, मेन जो है या तो ग्रेट है या फिर वाइज है, नहीं ये देखो गलत होगा, मेन का ये वाला पार्ट जो है वो तो ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है, ठीक है। अब दूसरा मैं वही बोला, सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, देखो कुछ मेन जो है वो नाइदर ग्रेट नॉर वाइज है, यहाँ अब इसको आप टिक किया और जैसे ही टिक किया आपको हो गया निगेटिव मार्क्स, क्योंकि ये कंक्लूजन गलत है। क्यों कंक्लूजन गलत है? देखो सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, ये एक डेफिनेटली डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली स्टेटमेंट है, डेफिनेट स्टेटमेंट है। तो जब कोई डेफिनेट स्टेटमेंट होता है, डेफिनेट स्टेटमेंट होता है उसको पॉसिबिलिटी में भी डेफिनेट होना चाहिए, पॉसिबिलिटी में भी डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी, एक हम तीसरा केस लिखते हैं, ऑल मेन आर वाइज एंड ग्रेट इज अ पॉसिबिलिटी। अब सारा मेन वाइज है और ग्रेट है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो सब पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो सारा का सारा मेन और वाइज हो सकता है, यही एक सर्किल मेरा मेन को भी ग्रेट को भी और वाइज को भी डिनोट कर सकता है। तो सारा का सारा मेन जो है वो वाइज भी हो गया ग्रेट भी हो गया, तो सम मेन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, ये हमारा गलत हो गया। तो कोई डेफिनेटिव स्टेटमेंट जब रहेगा तो वो पॉसिबिलिटी में भी ट्रू रहना चाहिए, यहाँ पॉसिबिलिटी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सो इसका आंसर होगा, ये भी गलत हो गया, इसका आंसर होगा नाइदर नॉर, ठीक है। सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, हम लंबा लंबा सेशन इसमें लेते जाएंगे, मैराथन भी सेशन लेते जाएंगे। आज हम पजल भी लाया था, सर्कुलर पजल, सर्कुलर पजल करेंगे, ओके सम इन सम आउट वाला, सम इन एंड सम आउट, ओके नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पजल करेंगे। आज यहीं पे हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं, सेशन को जितना अच्छा आप लाइक कीजिएगा, रिस्पॉन्स जितना अच्छा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी सेशन का होता रहेगा, ये फ्री बैच जो है भी चलता रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ना सिर्फ मेंस, ना सिर्फ प्री, मेंस के भी कॉन्टेंट हम आप इसमें देते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।